राजनीतिक रंग ले लिया था, वहीं अब मुख्यमंत्री शिक्षा अनुदान में पत्नी जयश्री शाहू और कांग्रेस के आर्थिक रूप से संपन्न सेक्टर प्रभारियों को मिले अनुदान की सूची सोशल मीडिया में वायरल होते ही तूल पकड़ रही है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने धरना प्रदर्शन कर विधायक दलेश्वर साहू का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया। हम लोग ये चाहते हैं कि इस प्रकार के घटना की पुनरावृत्ति न हो और सत्ता का दुरुपयोग न हो। पैसा मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान की जो राशि है वो केवल गरीबों के लिए, आजकल स्मार्ट कार्ड में भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं होता, ऐसे गरीब लोगों को इलाज के लिए, गरीब को अपनी लड़की की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, जीविकोपार्जन के लिए इस सब हेतु स्वेच्छा अनुदान निधि का निर्माण किया गया है। अभी सभी को जैसा पता है कि इस क्षेत्र के विधायक कलेश्वर साहू जी को स्वेच्छा अनुदान से जो राशि लोगों को मिली है उसमें सबसे ज्यादा जिनको राशि मिली है वो उनकी धर्म पत्नी के नाम पे 5 लाख रुपए उनकी संस्था के लिए उन्होंने दिया है। और साथ ही साथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को बड़ी बड़ी राशि उन्होंने स्वेच्छा अनुदान के माध्यम से दी है। तो हमारी आज सवाल भी है और मांग भी है, क्या आम जनता जितनी बड़ी बड़ी राशि उन्होंने आज संस्था में अपने धनपति के नाम दी, क्या उन्होंने आम जनता को कभी जरूरतमंदों को इतनी बड़ी राशि उपलब्ध कराई है? आज वह जनहित की जगह परिवार हित में अपने पद का दुरुपयोग करने लगे हैं। केजरीवाल को अभी बोलते हैं कि 12,000 स्मार्ट क्लास बनाए, 75 साल में नहीं बना, तो स्मार्ट क्लास के कॉन्सेप्ट अभी आया है, हाल फिलहाल आया, कुछ वर्षों पहले आया है, उसके पहले तो नहीं था। तो 75 साल पहले स्मार्ट क्लास के कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में नहीं था, केजरीवाल का हवा से ले आते थे, जब आया तब चालू किया ना स्मार्ट क्लास, तो हमारे यहाँ भी है। तो आपको सीधे लिए चलेंगे रायपुर स्टूडियो, जहां पर हमारी सहयोगी खुशबू ठाकरे पैनल के साथ चर्चा के लिए जुड़ चुकी हैं। आर्थिक सहायता चाहिए ओकर पर रही थे, लेकिन संपन्न आदमी ला दे है, चते पैसा दे है, कांग्रेस के संपन्न व्यक्ति दे, एक निंदा होना चाहिए और ये डाका ला तुरंत रोकना चाहिए और दलेश्वर साहू जी के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए ताकि आइंदा ईसान हरकत वो नहीं कर सके। सेम गोस्वामी जी, खुद आप वहाँ के गोहरे, खुद आप देखते हो वहाँ पर का लगते का जमीनी हकीकत है और स्वेच्छा अनुदान राशि काबर विधायक की पत्नी ने दे जाती। ये मामला इसे हरे कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो अनुदान ग्रहिता है कुल 18 जन मल्ला 8,60,000 रुपए की राशि स्वीकृत हो है। मैं बता दूं आप लोग कि 17 जन मन जेमन के नाम चर्चा में है, वो तो कांग्रेस के सेक्टर प्रभारी और अन्य उच्च पद पे आसीन जनप्रतिनिधि भी हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़े नाम आए हैं वो विधायक के धर्मपत्नी श्रीमती जयश्री साहू के नाम है। उनका नाम में 5 लाख रुपया जो है वो जारी करेंगे। तहसील डोंगरगढ़ से जो नाजिर शाखा से पत्र जारी हुआ है वो पत्र के 18वां क्रमांक में श्रीमती साहू के नाम अंकित है और उमा पेन से लिखे गए है कि वो नीचे महिला सशक्तिकरण लिखे गए है और संस्था सृजन फाउंडेशन के नाम लग पेन से लिखे गए है। अभी जो क्षेत्र में स्थिति है भाजपा ला एक मुद्दा ये मिल गए है, हालांकि कांग्रेस भी एक विरोध कर रहे थे पिछले बीजेपी कार्यकाल के विभिन्न प्रकार के जो अनुदान के पत्र ला वाला सोशल मीडिया में वायरल कर रहे थे, लेकिन ओखर संगठन के तरफ से कांग्रेस के तरफ से कोई अधिकृत बयान अभी नहीं आए हैं। और एला लेके कल डोंगरगांव विधानसभा मुख्यालय में और क्षेत्र के अनेक स्थान पे विधायक के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, पुतला दहन के भी कार्यक्रम लगभग 3-4 सेक्टर मुख्यालय में और विधानसभा मुख्यालय में करे जी। अब आने वाले समय में एला भाजपा कैसे ओकर इनकेसमेंट करी या ओला नगदीकरण कैसे करी वो विषय भाजपा के लिए, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो है आपने थोड़ा बीच में रोका थो, एमा 18 लोगों के नाम हरे स्वेच्छा अनुसार राशि दे के जिक्र भी है भाई, और एमा जो हरे उमा 18वें नंबर पे जो हरे वो विधायक की पत्नी जैसे साहू के नाम हरे जेमा जिसमें लिखे गए है कि आर्थिक सहायता रूप में मल्ला 5 लाख रुपए दे जाते। एक अलावा जो 16 लोगों के नाम है 10,000 रुपए दे के बात करे गए आर्थिक सहायता राशि और एक शख्स ला जो हरे 2 लाख रुपए के सहायता राशि दे के नाम विधायक की पत्नी ना 5 लाख अनुदान राशि इतना ज्यादा काबर दे।
ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, सभी जो जितना मन के नाम है 16 लोगों को मतलब 10-10 हजार के जो है राशि दे के बात होते। इस संदर्भ में मोर विधायक महोदय से बात हुई, उनका कहना है कि ये महिला सशक्ति के कार्यक्रम चूंकि वो संस्था के अध्यक्ष उनकर धर्मपत्नी है करके उनका नाम से ये चेक जारी हुआ है, और उनका कहना है कि महिला सशक्ति की दिशा में उनकर पत्नी और उनकर संस्था लगातार काम कर रहे थे। उमा जो हरे पेन लिखे गए तो क्या टाइपिंग नहीं हो रही का? नहीं, अब वो टाइपिंग के ये एक अलग जांच के मुद्दा है कि का ये टाइप के बाहर में लिखे गए हैं। काबर जो कार्यालय कलेक्टर जिला नाजिर शाखा राजनांदगांव से जारी हुआ है 20 दिसंबर के पत्र है, पत्र क्रमांक है 9945, और ये पत्र में स्पष्ट जो टाइप हुए है उसमें 18वां नंबर में जो पेन से लिखे गए, बाकी सब में ऐसे कोई भी उल्लेख नहीं है, और 18वां नंबर में ही सिर्फ संस्था के नाम और उद्देश्य लिखे। रुपेश दुबे जी, मोर आवाज आपका सुनाई देते का? हाँ हाँ, मैं आपने पूछना चाहूँ, ये जो विधायक के पत्नी के एक नाम आए हैं वहाँ अनुदान की राशि जो मिले है एमा 18वें नंबर पे उनका नाम है, और खुद जो हरे प्रेम गोस्वामी जी बता थे केवल पेन ले लिखे गए, वो वहाँ टाइप भी नहीं हो रही से उनका नाम है ओला पेन ले लिखे गए, ओला कैसे देखते हो आप? देखो, विधायक जी के पत्नी ला जो अनुदान राशि के बाद भाजपा वाले मन उठावा थे वो भाजपा वाला मन के कोरी कल्पना हरे। विधायक जी के पत्नी के जो पंजीकृत संस्था है फाउंडेशन, लेकिन सज्जन फाउंडेशन के नाम से रुपेन दुबे जी, मैं आपला रोका था बीच में कि एमा जो है कहे गए है कि 5 लाख रुपए दे गए है, और उमा जो है उखरा अलावा 16 लोग 10-10 हजार रुपए की राशि भी दे गए है, और आर्थिक सहायता एक शख्स लग ही 2 लाख रुपए के अनुदान राशि से सहायता राशि दे गए। तो सहायता राशि जो 5 लाख रुपए का बदे थे? नहीं, देखो सहायता राशि जो संस्था हा मांग जिस टाइप करते उखर अनुसार में सरकार सहायता राशि प्रदान करते स्वेच्छा अनुदान राशि, है ना, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण के काम करते हैं मन, है ना, ऐसे नहीं है कि विधायक के पत्नी हरे कहीं के वो काम नहीं करे, ओकर बारे में आप पता करा लो पूरा क्षेत्र में वो महिला हा महिला सशक्तिकरण पर जन जागरूकता पर आम जनता पर काम करते, और एकर जो संस्था है एकर संस्था में भाजपा के मन खुद जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव, भाजपा के महिला आयोग के सदस्य रेखा मेश्राम एवं सब कर्दम में यही से, और विधायक जी है अपन डाले नहीं दिवा है। ये जो अनुदान राशि के बात हो है, अनुदान राशि ऑडिटोरियम में ठन कार्यक्रम हो रही से उसमें माननीय अंजना भेड़िया जी कार्यक्रम में आ रही से, और सृजन संस्थान महिला सशक्तिकरण का काम करते वो मन शासन से सहयोग की राशि की मांग कर रही से, ओकर आधार पे ये राशि है आवंटित हो है, कोई विधायक जी के पास में नहीं हो है। रवि सिंह जी भी कुछ कहना चाहते हैं, रवि सिंह क्या कहना चाहूं ये विचार लेके? मैं ये कहा तो पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात के विचार करना चाहिए, दस्तावेज है कलेक्टर कार्यालय से जारी हुए, हम अपन घर से दस्तावेज पैदा नहीं करे हैं, और हमला बोलते भाजपा वाले मन कपोल कल्पना बात करते, यदि दस्तावेज साक्ष्य है ओला हम दिखाते तो हम कपोल कल्पना बात कर रहे थे। मुद्दा खाली ये मना खाली विधायक पत्नी रमन सिंह जब अपन कार्यकाल में हम दस्तावेज है भाई, कलेक्टर कार्यालय जारी हुए, मैं अपन घर ले पैदा नहीं करे, भाजपा कार्यालय कलेक्टर कार्यालय से कपोल कल्पना हो गए। रमन सिंह को भाजपा कार्यकाल के कागज देख ले, डोवर गांव के कतेक जन नेता मल्ला एक बार नहीं पांच पांच बार एक बार नहीं पांच पांच बार पैसा दे है, ऐसे कौन से लोग काम कर रहे हो ना, उखरो दस्तावेज भर में मारे है। श्रीमती जी ही योग्य है क्या महिला सशक्तिकरण पर? पूरा डोंगर गांव में मांग करी तेला भूपेश बघेल के सरकार पर महिला सशक्तिकरण हो चाहे कोई भी काम के लिए हो, भूपेश बघेल के सरकार के आए के बाद 1 लाख रुपए में न्याय योजना लागू हो है, और सब में सर्वहारा वर्ग का सहयोग मिला है। समस्या ये जनता कांग्रेस की चोरी और बिना चोरी वाले बात है। विष्णु लोधी जी, मोर आवाज आपकी का?
बीजेपी के भैया है रवि सिंह जी, साउंड कम करो तो कुछ मैं बोल पाऊंगा। था मन करा था ना विष्णु लोधी जी ने जवाब पूछा था, एकल विष्णु लोधी जी क्या कहना चाहो? देखिए सबसे पहले तो स्वेच्छा अनुदान की राशि, मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान की राशि जो होता है जरूरतमंद भैया छत्तीसगढ़ी में गोठिया हूँ काबर की छत्तीसगढ़ी डिबेट चला थे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है जी। देखिए मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के जो राशि होते वह जरूरतमंद जो व्यक्ति होते ओकर मनबर होते है। जैसे कि कोयला इलाज कराना है, कहूला अपन बड़े कोई ऑपरेशन कराना है और कोयला और कहीं के नाना प्रकार के कई तो गरीब मजदूर किसान जैसे भाई है ओकर मन के लिए ज्यादातर ये स्वेच्छा अनुदान राशि होते जे मन आवेदन करते और आवेदन पर वो राशि उपलब्ध कराया जाते। और एमे सीधा सीधा मुद्दा आते कि मुख्यमंत्री विधायक जी के जो मिसेस है ओला 5 लाख रुपया अनुदान राशि दे गए हैं और बाकी मतलब 10-10 लाख रुपया। तो मैं तो सीधा सीधा यही बोलूं कि विधायक जी के मिसेस ला तो स्वेच्छा अनुदान राशि 5 लाख रुपया दे के जरूरत है नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी विधायक जी के मिसेस है और मतलब ऐसी जो है पेंशन जो है मिलते है सरकार की तरफ से जो भी खर्चा है और अभी वर्तमान में आदरणीय हमारे विधायक जी मंत्री के पद में भी है। तो मैं समझता हूँ कि 5 लाख राशि जो अपन मिसेस के नाम से जारी कर रहे हैं जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए इसे, और वो राशि जो है जरूरतमंद व्यक्ति ला उपलब्ध होना चाहिए जी। रुपेश सिंह दुबे जी क्या कहना चाहो? रुपेश दुबे जी देखो विधायक जी के पत्नी के बारे में मन अतक प्रपंच रचे है, वो महिला हा महिला सशक्तिकरण पर लगातार काम करते, राजनांदगांव जिला मुख्यालय में कार्यक्रम कराते और वो महिला के और एक जो संस्था है सृजन फाउंडेशन पंजीकृत संस्था है, फर्जी कोई आवंटित नहीं हो गए है, वो पैसा मिले है 5 लाख रुपया तो ऑडिट भी होगी। और क्या ये छत्तीसगढ़ में ऐसे हो गए है कि जो जो विधायक के पत्नी है या जो जनप्रतिनिधि की पत्नी तो जनता पर काम नहीं करेगी? और भी मत है ना उसके अंतर्गत भी वो काम कर सकती है, बहुत सारे मत है और भी मत से वो पैसा ले सकती है, स्वेच्छा अनुदान की राशि से ही क्यों वो काम कर रही है, मेरा ये सवाल है। दुबे जी दुबे जी मोर एक सवाल हरे की एमा महिला समूह ला काबर पैसा नहीं बांटिस, सिर्फ एक व्यक्ति के नाम ले काबर? पूरा महिला समूह काम करे तो महिला समूह के नाम पर इतना जो 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 महिला समूह के मन हाँ छत्तीसगढ़ सरकार के तक अपन अनुदान राशि प्राप्त करे पर आवेदन दी ओला सरकार हाथ दिल खोल के उखर मन के कार्य करे पर कि यह समूह के जो अध्यक्ष मतलब महिला समूह के जो अध्यक्ष हरे वो विधायक जी के पत्नी हरे हाँ। राशि आए तो महिला समूह के महिला मन मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो महिला अनुदान अनुदान राशि मिली तो मन मिली। मैं रोका था कांग्रेस के प्रवक्ता के कहने का मतलब है डोंगर गांव में एक को महिला मन होनी दे आवेदन देती तो दिल खोल के पैसा मिलती 5 लाख मिलती। अरे भैया भाजपा के राज में तो बिना मांगे स्वेच्छा अनुदान के नाम से जो बंदर बांट करे है योजना के बंदर बांट करे है, मोर में लिस्ट है, मैं तो व्यक्तिगत नाम लेके नहीं बोलना चाहूं, वो मन तो जनहित तो कोई काम नहीं करे। उखर बाद भी रमन सिंह के सरकार में 2009 से लेकर के 15-17 तक जो पैसा के बंदर बांट करीस और चूंकि ये तो महिला मंडल संस्था है आज अनुदान राशि दे है तो कल देख लेना कि अनुदान राशि के उपयोग सही होते कि नहीं होते, सूचना का अधिकार लगा लेना कि वो काम कर रहे कि नहीं। समूह चर्चा के विषय ये है कि भाई स्वेच्छा अनुदान की राशि विधायक जी के पत्नी को ही क्यों दिया गया? वैसा ही विधायक विष्णु जी विधायक की पत्नी उस संस्था की अध्यक्ष है
नहीं तो भाई उन संस्था के अध्यक्ष उनकी पत्नी है तो और भी उनके पास कई विभाग है, अन्य विभाग अनुदान राशि प्राप्त होता है, अनुदान राशि का उपयोग दूसरे को मिल जाता है गरीब आदमी को, अदानी भैया अनुदान राशि जो 5 लाख की राशि है वो और किसी को मिल जाता है गरीब व्यक्ति को, मेरा ये कहना है, क्योंकि वो ऑलरेडी विधायक की पत्नी है तो कहीं से भी राशि ला सकती है ना शासन से, क्योंकि शासन के अंतर्गत वो आती है, नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्य कर रही है और जो पंजीकृत संस्थाएं हैं, अनुदान मेरा कहना है उस अनुदान राशि का उपयोग जो है और किसी गरीब व्यक्ति के लिए किया जा सकता था, राशि उपलब्ध किया जा सकता था, क्योंकि विधायक की खुद कैबिनेट मंत्री के दर्जा पर है और एक कारण जो है कि ओकर पत्नी ला और राशि लाए पर कहीं दिक्कत नहीं हो सके, ऐसे में मानता हूँ वो अन्य मद है वो मद से पैसा ला सकत है और अपन समिति के विकास कर सकत है, लेकिन स्वेच्छा अनुदान की राशि ही काबर हो ली नाम जो है अनुदान राशि पर सिर्फ केवल जो हरे 17 में 18 नाम तो चल विधायक जी के पत्नी के, लेकिन 17 उमा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी नाम हरे, ओला आप कैसे देख, तो ये स्वेच्छा अनुदान राशि कोई कांग्रेस भाजपा ला देख के नहीं देवा थे सूची में पूरा कांग्रेसी मन के ही नाम है तो वैसे बोल ले जाए ना, कारण से मंगे है वो काबर मंगे है ये बात के जांच करते, जांच करे के बाद उखरमन के जो कारण लिखा थे वो कारण देख के सरकार स्वच्छान राशि करते, एकर पहली तो आदमी भाजपा का राज में तो बिना स्वच्छ अनुदान मांगे बंदर बांटे को ऐसा बांटा तरी से, अब विष्णु रोटी जी क्या बताई तो सरकार आए थे नहीं है तो नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बीजेपी भी इसी प्रकार से करी है और कांग्रेस भी वही कर रहे हैं जी, प्रेम गोस्वामी मैं आपके बात से सहमत हूँ बिल्कुल, भाजपा के शासन में भी ऐसे होते हैं और कांग्रेस के शासन में भी वैसे वाले, प्रेम गोस्वामी जी ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के लोग क्या 4 साल तो गुजर रहे, 3 साल तो गुजर गए क्या, केवल और केवल हम लोधी जी हमारे साथ प्रेम गोस्वामी जी आवाज आ रही है कुछ कर रविंद्र, देखो मैडम मैं बीच में टोकना चाहूँ, रविंद्र भाई सूचना के अधिकार के पुरस्कार विजेता भी हरे, जयश्री साहू जी 5 लाख मिले है ओकर उपयोग सही होते कि नहीं होते ओकर बारे में सूचना का अधिकार लगा के पता कर ली, और महिला समूह जयश्री साहू काम करते नहीं करे ये लोग पता पता कर ली, मैं आप लोग बता दुबे जी सूची के मौजूद जी, बीते 3 दिन से जो सूची का बवाल मचे है भाजपा ए मुद्दा में जो बोला थे कि पहला जो नाम है वो स्वास्थ्य के प्रतिपूर्ति के लिए मतलब इलाज के पर खर्च करे हुई उकर प्रतिपूर्ति शासन के तरफ से मिले है, लेकिन जो 17 नाम है जो भाजपा के आरोप है उनमें कुछ मन समिति के सोसाइटी के अध्यक्ष है, 30 से 35 एकड़ 10 से 12 एकड़ के संपन्न किसान है और कुछ मन ज्यादातर मन कांग्रेस के जो सेक्टर प्रभारी है, ऐसे आरोप बीजेपी के भाजपा के है, अब आने वाले समय में कांग्रेस एकर कैसे का वो स्ट्रेटेजी अपना ही कैसे का अपन रणनीति बनाई एकर तो कांग्रेसी मन बता सकते, लेकिन भाजपा जो है ये मुद्दा ला लगातार फील्ड में उकर थे, अभी कल के जो भी आंदोलन हुए है वो काफी बड़े रूप में हुए है डूंगर गाँव में, और जो मोर भाजपा वरिष्ठ जन है उनसे चर्चा हो रही से तो उनका कहना है ये मुद्दा हम मन जन जन तक ले जाए के प्रयास करबो, उनका एक और आरोप है कि जैसे महिला सशक्तिकरण के बात रही से तो समूह आर के पैसा ला दे जा सकत रही से, अब कहा सही कहा गलत ये निर्णय शासन प्रशासन के काम है जी, आप शासन प्रशासन तो निर्णय ले ले 5 लाख जारी हो गए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता मन ला जब कुछ नहीं सूझे देखे लाइन की थे कि भाजपा के मन ये दे वो दे, अरे तुम्हार कार्यकाल है तुम्हारे दस्तावेज उपलब्ध है तुम बांटे हो हमला काबर दोष देते हो, तुम तो अभी बांटे हो और विधायक दलेश्वर साहब को एक शिकायत है का पूरा रेती के खेल उखर चला दे, जगह जगह रोज धरना प्रदर्शन होते उखर विरुद्ध में 3 साल गुजार दी भाजपा ला दोष दे भाजपा वाले में निश्चय करी तुम काय करे हो, ऐला तो गिनाओ 5 लाख रुपया अपन घर में देते हो
अब रोंगर गांव में अतेक आदमी घूमत है, अतेक महिला घूमत है, दे भर ये नहीं है तुम्हें। मैं एक लाइन बताना चाहता हूँ, अभी महत्वपूर्ण बात चला थे कि जब कोई पैसा के दुरुपयोग करना होते तो एमन राशि बढ़ा देते। डॉक्टर रमन सिंह के समय मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान राशि के लिमिट रही से एला भूपेल सरकार दुगना करे है। आप रिकॉर्ड उठा देख लो, और दुगना काबर करे है कि चुनाव के समय कांग्रेस के कार्यकर्ता मन जो काम करे ना ये इसमें उत्कृष्ट करते है। मन 5 लाख दे के करोड़ 20 लाख दे के नहीं तो ये पैसा कम रही से अभी ये मन ज्यादा करे, लेकिन जरूरत मतलब नहीं देते ये मन कांग्रेस ही ना दही और आगे भी दही देख लो चुनाव में जो काम करी कांग्रेस उन लोग उत्कृष्ट करी। इनका यही चार है, यही चरित्र है जी। रुपेश दुबे जी देखो, कांग्रेस सरकार के नीति और नियत एकदम साफ है। छत्तीसगढ़ सरकार में जो न्याय योजना लागू करे है, किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भाजपा वाले मन हटा आपके पास तर्क नहीं है, आप भटका दो न्याय और सबसे वाले बात पूछो नहीं है। शराबबंदी हो गएगा ये विषय अभी नहीं है। अनुदान राशि जिसे भाजपा की बात होती है मन के अनुदान राशि दे रही से इमन अभी पेपर वेपर भी दिखाते पुराना कांग्रेसी मनोला कैसे देखो आप ओला में बता दूं जी बिल्कुल। भाजपा के शासन में भी अनुदान राशि जब बटा तो उस समय भी इन लोग अपने मन में छत्तीसगढ़ी में घोटिया भूल जाता हूँ जी। ठीक ठीक सॉरी जी बिल्कुल। भाजपा के राजमा भी एमन अपन मनमानी करत रही है, ओमन भी अपन मनमानी से स्वेच्छा अनुदान की राशि अपन कार्यकर्ता मतलब बांटत रही है, और अभी जन है कांग्रेस के शासन में भी कांग्रेसी मन भी मनमानी कर रहे थे, वो अपने कार्यकर्ता मतलब स्वेच्छा अनुदान की राशि बांटे थे। भाजपा के कार्यकर्ता 5 लाख रुपया मिले हुई तो आप बता रहे कि भाजपा कार्यकर्ता 5 लाख मिले हुई तो बिल्कुल मैं इसका विरोध करता हूँ। 5,000-2,000 विरोध करत हो कि आदरणीय विधायक जो है अपनी पत्नी को 5 लाख रुपया जो दिए स्वेच्छा अनुदान राशि जो कि गलत है, मैं एकर विरोध करत हूँ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जरूरतमंद व्यक्ति ला मिलना चाहिए स्वेच्छा अनुदान की राशि, जरूरतमंद व्यक्ति इलाज कराया मिलना चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता के आप भाजपा के कार्यकाल के बता दो कि 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया मिले हुए 5,000-10,000 इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन कोई भी अपन परिवार के श्रीमती जी ला अपन बेटा ला 5 लाख रुपए दी तो मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान बंद कर देना चाहिए। एक औचित्य का है। एक पहले भी साहू जी विधायक रही है एलबी नगर वाले, तो ओमन भी जो है अपन परिवार के आदमी मतलब बहुत जन स्वेच्छा अनुदान की राशि उपलब्ध कराए रही है, नवा बात तो नहीं है, पर चूंकि ये बड़े राशि है 5 लाख रुपए राशि होते और ये एक अभी बोला थे कि भाई एक समिति है उपलब्ध कराए और अध्यक्ष है विधायक जी के पत्नी है, ठीक है अध्यक्ष है तो और भी तो समिति सब समिति मिलना चाहिए 5 लाख रुपया, अब विधायक के पत्नी की ओला दे दी और बाकी समिति मन है ओमन का बिगाड़े भाई ओमन भी मिलना चाहिए ना, बराबर के हकदार तो ओमन भी है वो बन लगे 5 लाख रुपए विधायक जी स्वेच्छा अनुदान की राशि समिति है आपको समिति लगे 5 लाख रुपया। अब ये बात गलत हुई कि ओमन आवेदन नहीं करे, अब विधायक जी के पत्नी था ओकर आवेदन पहुंच गया बाकी मन के नहीं पहुंची, ये तो विधायक जी के दायित्व बनते है कि जब तक समिति ओमन ला बुलाए और ओमन ला बोले कि तुम्हें आवेदन दो स्वेच्छा अनुदान की राशि तो है मैं आप मन लोग विष्णु मोदी जी अरविंद सिंह जी सब समिति वाले मतलब वापिस करे यही होना चाहिए या अरविंद जी जब डोंगर गांव में रेत खदान बंद था ना तो यही विधायक जी बोलते थे लोगों को जरूरत है मैं आदेश दे रहा हूँ बंद है तो आप लोग निकालो खुले आम अवैध रेत खनन का आदेश विधायक जी ने दिया था। यही दल है मामले में आ गया सुनो मोर बादला रविंद सिंह जी रेत खदान बंद था तो इन्होंने बोला मैं कह रहा हूँ रेत निकालो और अपने व्यक्तियों से निकलवाए अखबारों में उनका अधिकृत बयान है उनका अधिकृत बयान है
आप मन ये बताना चाहते हो चैनल के माध्यम से कि जयश्री साहू जी हा ऑडिटोरियम राजनांदगांव में कार्यक्रम करा रही से अलीना भेड़िया जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रही से वो संस्था के बैनर तले उमना आवेदन दे रही से विधायक होने के नाते विधायक जी के दायित्व बनते है कि वो क्षेत्र में जितने समिति हो सब लोग उपलब्ध कराए स्वच्छता अनुदान के राशि बोलिए पत्रित लगा पांच लाख रूपए स्वच्छता अनुदान के राशि उपलब्ध करे भाई मानवता के नाते अपन पत्नी के नाम है ओला किनारे करके बाकी दूसरा विधायक जी के अनुदान राशि वाले में नहीं है सृजन संस्था फाउंडेशन वाले मन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करा रही से मैं बता दूं अनुशंसा से राशि जारी होते है तो विधायक जी ने देखना रही थी पत्नी के नाम है तो दूसरा जनप्रतिनिधि होने के नाते दायित्व बनना चाहिए ना विधायक जी के भैया जानकारी पहले जानकारी पता करे करो उखर बात बोले करो विरोध करे क्षेत्र के आम जनता ला पहली वो राशि उपलब्ध कराए उखर बाद अपन समिति ला देखो सामान्य सामान्य आप भी राजनीति में हो अच्छा से जानते हो कोई कार्यक्रम का आयोजन करते और आयोजन में कोई मुख्य अतिथि आते तो मुख्य अतिथि जे आते तेला अपन मांगला रखे जाते जैसे अपन संस्था के माध्यम से मांगला रखी विधायक जी के रवीन भाई तभी आवेदन दे रही थे जनप्रतिनिधि पत्नी हो कार्यक्रम में आए हैं की आवाज नहीं आते आप मैंने एक एक ये रूपेश भाई है तो कुतर्क कराते तर्क थोड़ी कराते कि एक श्रीमती जी आके आवेदन दी सब पैसा मिल गए वो दिन मंत्री आ रही 2500 आ रही हो आवेदन लेकर मन का करे हो बल्कि मैं तो कहता हूं तुम्हारी ऑडिटोरियम से पहले अन्य अन्य महिला दो ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होने से महिला समूह के अलीना भेड़िया जी आ रही से विधायक जी के पत्नी बात ये बार बार समझात हो विधायक जी के पत्नी के अलावा वो सामाजिक संगठन में अग्रणी महिला भी है दस्तावेज आए उनका क्षेत्र के जनता ला दे ना कि अपन पत्री ला भाई अनुदान की जो राशि है क्षेत्र की जनता के लिए होते विधायक विधायक जी के विधायक जी के विधायक जी के पत्नी लगे परिवार के बनना नहीं क्षेत्र के जनता का है बारह के भाव पहले हमारा बात दुनिया गोस्वामी जी मौजूद है प्रेम गोस्वामी जी अंतिम का कहना चाहते मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो यहाँ नगर में और क्षेत्र में जो डोहरगांव क्षेत्र में चर्चा के विषय है वो यही बात ला बार बार बोला थे कि जैसे अभी दुबे जी कहा थे कि अनिला भेड़िया जी आई रही से वो स्वीकृत करी से बात यह कि अनिला भेड़िया जी आई से लेकिन जो पत्र जिला नाजिर कलेक्टर राजनांदगांव जारी हुए में मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छा अनुदान राशि स्पष्ट एक है दूसरा बात तो एक प्रेम भाई अनिला भेड़िया जी ने आवेदन को फॉरवर्ड किया अच्छा तो और आवेदन नहीं मिला था क्या और आवेदन नहीं मिला था क्या उस दिन
उनके आयोजन में महिला समूहों ने महिला समूह अरे भैया आवेदन नहीं आई रीत का कार्यक्रम होते में आवेदन दे रही से यही आवेदन में का विशेषता रही से और बाकी भी आवेदन बेकार रही इसका मैं आप अपना कहना चाहूँ कि लगातार ऐसे ही बने रहो सान न्यूज के साथ मैं कुछ ठाकरे बैक टू स्टूडियो धन्यवाद धन्यवाद